दोस्तों सबको सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबको बड़ी इंतजार थी कि प्रपोजल आई है उसके ऊपर क्या किया है, क्या उसके बारे में कुछ तरह तरह के विचार चल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ बोल रहा था, लेकिन ये दोनों फोरमों की अब चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया है उस प्रपोजल की अगर उसे नाप तोल किया जाए तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो माननीय मंत्री जी कल ये बता रहे थे कि सरकार अगर एमएसपी की गारंटी दालों के ऊपर देती है तो हमारा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से खर्च होगा, हमारे बजट के ऊपर वेट पड़ेगा। और इसी के बराबर एक खेती माहर साउथ का प्रकाश कामारेड्डी जी के अनुसार केवल 1,75,000 करोड़ रुपया अगर सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है तो 1,75,000 करोड़ रुपए के अंदर वो काम चल सकता है। तो फिर अगर सरकार इतने पैसा लगा भी रही है तो ये 2-3 फसलों का बिकने की व्यवस्था बनाए और बाकी किसानों को ऐसे छोड़ दिया जाए, ये हमें उचित नहीं लग रहा। दूसरी बात मैं और एक कहना चाहता हूं, देखिए हमारी गवर्नमेंट बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मंगवाती है और वो सभी लोगों के लिए, मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है। अगर यही पैसा 1,75,00,000 रुपया देश के किसानों को तेल बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे सरकार और उसके ऊपर खरीदी की गारंटी बनाए सरकार, तो 1,75,000 करोड़ से उधर के पैसे इधर आ सकते हैं। तो मुझे कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि सरकार के ऊपर कहीं से किसी तरह का बोझ पड़ रहा हो। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मैंने कहा कि इसे अगर ध्यान से देखेंगे, स्टडी करेंगे तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को, उन किसानों को हम दालों के ऊपर और क्रॉप्स के ऊपर जो हमने 6 क्रॉप्स लिए हैं 5, उनके ऊपर हम खरीदी की गारंटी करेंगे जो डाइवर्सिफिकेशन कर दूसरी क्रॉप्स को छोड़ेंगे। और मेरा इसमें कहने का मतलब है ये उन्हीं को देंगे जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को लगाया होगा। अगर जिन्होंने धान को छोड़कर मूंग को नहीं लगाया, अपने आप नेचुरल मूंग को मूंग की बिजाई कर रहा है, उसकी खरीदी नहीं होगी। तो इसलिए इन सभी बातों से ये निकल कर आता है कि इसमें से कुछ किसानों को लाभ होने वाला नहीं है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है, आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें। और वो भी देते हैं जब, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की, अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए हमारी, उस रेट पे तो बिक जाए।
और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे तो वो हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। और बाकी बातचीत हमारे भाई साहब पंदेरी साहब कहेंगे। धन्यवाद। बोलो। हाँ, जैसा डल्लेवाल साहब जी ने बता दिया, अभी हमने यकमुक्त इस प्रपोजल को रद्द कर दिया है और जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, डिवर्सिफिकेशन के नाम पर जो धान या गेहूं छोड़कर आएंगे उनके साथ लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगी भारत सरकार, उसमें ऐसा आ रहा था। तो जो बात थी भी अगर पहले से कोई सरसों बीज रहा है और वो उससे नहीं निकले उसका कुछ नहीं मिलने वाला, जो पैसे पहले से ही ये दालें वगैरह जो बोल रहे हैं वो बीज रहा तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो धान या गेहूं को छोड़ेगा वो इस कैटेगरी में आएगा। तो ये अनाउचित हमें बातें नजर आई। हमने इसलिए समय लिया कि पूरे भारतवर्ष के लोग ये ना कहें कि सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है तो ये आराम से ठंडे मन से सोचते भी नहीं है, उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने चाल चलने का यत्न किया वो पूरे देश के समक्ष आज हम रख रहे हैं। तो ये असल में सरकार की नीयत पे खोट है। अगर नीति अच्छी होती, नीयत साफ होती तो वो ऐसा ना करते। तो जैसे हरि दामोदरन जी का भी जिक्र है, अभी एक स्टडी करता के लिया था, हरीश दामोदरन, उन्होंने भी कहा अभी भाई आप फार्म जो तेल बीज है 1,75,000 करोड़ का बाहर से मंगवाते हैं। तो यही अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना देंगे तो हमें नहीं लगता है कि इससे अधिक राशि की आवश्यकता है। तो हमारी मांग जो ही वही है कि सरकार एमएसपी गारंटी कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं, इस पर ही आगे बात होगी। अब भारत सरकार बताएगी हमें कि उन्होंने कर्ज माफी के ऊपर का क्या क्या अभी तक स्टडी की है उन्होंने। हमने तो अपना विचार विमर्श करके आपको बता दिया कि हमारे मन में ये, हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं। जैसे गन्ने के ऊपर C2+100% और C2+50% का जो फार्मूला है उसके ऊपर भारत सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ जैसे WTO से हमने बोला भी खेती सेक्टर को आप बाहर निकालिए, जैसे नरेगा पे ऊपर बात थी भी 200 दिन और 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब बातों के ऊपर मंत्री महोदय बोलकर गए थे भी हम भी दिल्ली जाएंगे और वहां से अपनी सरकार से विचार करने के बाद इनको बताएंगे। तो दूसरा, जैसे भारत सरकार विहार दिखा रही है मीटिंग्स में भी, अगर इस प्रपोजल पे हमने बोला कर्ज के ऊपर बताइए तो बोला पहले इस प्रपोजल पर आप अपनी बात करिए आगे कर्ज के ऊपर बात करेंगे। और तो इस तरह की मीटिंगों में बातें चलती नहीं यार। हमने देखा जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। कानून 23 फसलों के ऊपर बना के दे और जो फसलें रह जाएंगी उसके ऊपर स्टडी करने के बाद सभी फसलों के ऊपर हमें जो है एमएसपी लीगल गारंटी का कानून चाहिए। हम इसी स्टैंड करते हैं, इस पर ही आगे बात होगी। अब भारत सरकार बताएगी हमें कि उन्होंने कर्ज माफी के ऊपर का क्या क्या अभी तक स्टडी की है उन्होंने। हमने तो अपना विचार विमर्श करके आपको बता दिया कि हमारे मन में ये, हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं। जैसे गन्ने के ऊपर C2+100% और C2+50% का जो फार्मूला है उसके ऊपर भारत सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ
जैसे WTO से हमने बोला भी खेती सेक्टर को आप बाहर निकालिए, जैसे नरेगा पे ऊपर बात थी भी 200 दिन और 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब बातों के ऊपर मंत्री महोदय बोलकर गए थे भी हम भी दिल्ली जाएंगे और वहां से अपनी सरकार से विचार करने के बाद इनको बताएंगे। तो दूसरा, जैसे भारत सरकार बिहार दिखा रही है मीटिंग्स में भी, अगर इस प्रपोजल पे हमने बोला कर्ज के ऊपर बताइए तो बोला पहले इस प्रपोजल पर आप अपनी बात करिए, आगे कर्ज के ऊपर बात करेंगे। और तो इस तरह की मीटिंगों में बातें चलती नहीं यार। हमने देखा जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं, ये थोड़ा बात होती है। अब हमें समय आप 5:30 का दे रहे हैं, मीटिंग आप 8:10 में शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो किसी के पास समय नहीं है। तो वार्ता अगर करनी है जो समय आप देते हैं उसी समय, चलो 5-10 मिनट की कोई बात नहीं होती है आगे पीछे, तो वो हो जाना चाहिए। तो भारत सरकार की जो सीरियसनेस है वो मीटिंग शुरू होने के बाद ही पता चल जाती है। अभी बात हो जाने दीजिए। नहीं मैं तो आना तुसी आके बह जाओ, तुसी दस दो हुण केड़ी गल आ एवं ठीक है। तो इस करके इसी तरह से जो अन्य मांगे हैं उन मांगों के ऊपर ही अभी हमने सरकार से मांग रहे हैं आपके माध्यम से, यो बताए भी उनका निर्णय क्या है। और दूसरा, कल खिनौरी बॉर्डर पर मनजीत सिंह जी पटियाला से थे, किसान की शहीदी हुई थी, तो पंजाब सरकार ने अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ, ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ ना उसको उचित राशि दी गई है जो वादा था। हमने पंजाब सरकार को बोला था पॉलिसी क्लियर कीजिए, फिर एक नौकरी और 5 लाख, अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया कि उन्होंने पॉलिसी क्लियर की नहीं है। इस तरह से अगर बॉर्डरों पे किसान शहीद होते रहे और अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर इस तरह से पड़े रहे तो ये मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये पंजाब सरकार सोचे, और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी DC पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके DC ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय, अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि यह जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपके आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए, ये बात क्या है किस तरह की है। तो ये तरह की बातें हैं, पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। देखिए जिस समय CM साहब नू मीटिंग दे विच बिठाया गया उस दिन बिठाउन दा मेन कारण ही ये सी कि भाई तू साडी स्टेट दा मुख्यमंत्री आ, तेरी स्टेट दे लोक ने और तेरी स्टेट दे विच दूसरी स्टेट आगे बैरीकेडिंग करके बैठी है और तेरी स्टेट दे विच बैठे लोकां दे उत्ते अथरू गैस दे गोले सिटे जा रहे हैं। इदू भी कहा असते भी कहा कि अथरू गैस दे गोलियां तो अगे लंघ के साडे उत्ते मोर्टार दे हमले किए गए इत्थे लोकां दे उत्ते जो अति निंदन योग है। इसे लिए बिठाया सीगा कि अज साडा मुख्यमंत्री इहदे विच आउणा चाहीदा, आके एक गल उन्हां दे सामने रखी और इन्होंने कहा उस वेले कि असीं इहदे उत्ते नोटिस लवांगे, लेकिन अज तक कोई नोटिस नहीं लिया गया।
अगली गल मैं एमएसपी वाला है कि आप कल रात जो आपकी तीन मांग मुख्य मांग थी उसके अलग आपको ऑफर कुछ और दे दिया गया, पांच फसलों पर एमएसपी की गारंटी, कपास और मक्का, वो लेकर क्यों आए? वही आप रिजेक्ट करके जो बात 24 घंटे क्यों लगी समझने में आपको? देखिए इधर से मुझे लग रहा है आवाज अंजुम जी की आ रही थी। अंजुम जी एक मिनट रुकिए, मैं एक बात और कहनी चाह रहा था, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे हम। मैं जो बात पूरी करनी चाह रहा था वो पूरी होने दीजिए, मेरा निवेदन आप सबको भाइयों को। देखिए आज हरियाणा सरकार की ओर से उनके डीजीपी का बयान आया है और उसने ये कहा है कि हमने यहां पे किसी भी बॉर्डर के ऊपर ऐसा नहीं किया, कहीं पे हमने अश्रु गैस नहीं छोड़ा, कहीं पे हमने किसी तरह की बेल्ट गन नहीं चलाई, किसी तरह का कोई ऐसा वैसा नहीं किया, ये कहा उन्होंने। और हमने हमारा ये कहना है कि अगर सच में डीजीपी साहब ने ऐसा ऑर्डर नहीं कहीं से मिला, उनको उन्होंने नहीं कहा और नहीं किया, तो जिन्होंने यहां पे ये किया और 400 के करीब लोग जख्मी किए उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करता हरियाणा गवर्नमेंट? उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा निवेदन है हमारी सुप्रीम कोर्ट के को भी कि उनको तुरंत प्रभाव से सो मोटो लेते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के ऊपर जैसे सभी पूरे देश के लोगों का अधिकार है शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करने का, अगर ये प्रोटेस्ट करने भी नहीं देंगे तो इसका मतलब देश की लोकतंत्र को बहुत खतरा है, खतरे में जा रहे हम। अब पहले वो जवाब अंजुम, हाँ अंजुम जी का जवाब दे ले, मैं दे लेंगे। देखिए जो हमें मीटिंग में प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया था और जो मंत्री महोदय ने बाहर आके बुलाया उसमें बहुत फर्क था, और उसमें बगैर फिर सोचे हम निर्णय करते वो अच्छा नहीं था। मीटिंग में तो ये प्रस्ताव था कि इन पांच फसलों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में खरीदी की जाएगी, और जैसे पंजाब का पैटर्न भी आप देखते खरीदी करने का, यहां एपीएमसी एक्ट चल रहा है, मंडी बोर्ड है बैठा हुआ, मार्केट कमेटी से है, इसमें भी सरकार तो परचेज करती है, ठीक है। तो हमने तो ये लिया भी इसी तरह से पूरे देश भर में ये मुद्रा ढांचा खड़ा करेंगे और पूरे देश भर को कुछ फसलों पे एमएसपी मिल रही है तो मिलेगी। पर जब मंत्री महोदय बाहर आके बोले तो तब वो बात क्लियर हुई भी असल में मंशा तो ये है, और इस समय में केंद्र की नीयत तो सबके सामने आ गई कि केंद्र वार्ता में कुछ और बात कहता है, बाहर निकल के पीसी में कोई और बात करता, तो इसलिए हमारा इसके ऊपर सोचना जरूरी था। मंत्री जी का बयान हमने आराम से सुना, स्टडी की और सभी से बात करके इसको रद्द कर दिया। और आप ठीक बोल रहे हैं, अगर उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि बहुत इनोवेटिव और आउट ऑफ बॉक्स आइडिया किसानों की तरफ से आया, किसान भाई अगला बता दीजिए बोला नहीं। देखो एसकेएम ने भी देखो मैं बोल रहा हूँ, हमारी ओर से कोई प्रपोजल दी नहीं गई है, हाँ अगला बिल्कुल पीसफुली ढंग 21 तरीक 11 बजे आप दिल्ली वाल मूव करांगे। देखो असी सरकार नू अज भी अपील करते हैं, कल भी करते हैं भी एडा वड्डा दुनिया का अंदोलन है, टेबल ते बह के साडे मसले करदे हल, एक जां सानू पीसफुली ढंग नाल बैरीकेड हटा के दिल्ली जान देवे। हुण इह दोवें काम नहीं हुंदे, साडी मजबूरी है ना असीं फिर अगे वधीए, ठीक है। इस करके जिहड़ा तुसीं कर रहे हो भी उहनां ने जोर नाल आवाज करन वाली मशीन लाई हुई आ,
किसे दा कन बोला हो सकता कर हाँ अगर पैदा होगा ना अगर आप जो है हाँ जड़ी साउंड कन ना ए भारत दे लोकां ते वर्ती नहीं जानी चाहिदी असी को बाहर दे थोड़े हाँ इस देश दे नागरिक हाँ किसान हाँ मजदूर हाँ तो सानू जां ते पुरअमन ढंग नाल अपना अंदोलन चलाउण दा हक दिता जावे जां सरकार उन्हां कोले हुण डिस्कशन दी लोड़ नहीं हैगी किसी मीटिंग जाके डिस्कस करिए हुण तां सरकार नूं फैसले करन दी लोड़ हैगी ओह फैसले करे आगे बातचीत करेंगे अभी रास्ता खुला है सरकार से बातचीत करने का और मीटिंग हो सकती है मीटिंग होगी अभी आगे वाली मीटिंग नहीं है रास्ता बंद ऐसा नहीं कहा हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद साहब तुम कहते हो साडे कोल प्लान बी हैगा प्लान बी तुम्हारे कोल किवें है कि मैं तुम अगे जाऊंगे तुम कहते हो चांदवे तरीके से जाओगे हाँ देखो सवाल की है ये अजे साडिया अंदर बैठ के गल्ला करन वालियां ने किस तरीके नाल असीं अगे वधना है इहदे च कोई रौला नहीं गा कि अगे वधन दा ऐलान है अगे वधना है और इहदी भी कोशिश है कि किसी भी तरह की इत्थे हिंसा नहीं होनी चाहिए साडे वल्लों पूरा यतन है सारे असी आप दी इस पीसी दे माध्यम तो साडे इस अंदोलन दे विच और उधरले अंदोलन दे विच जिथे बैठे हमारे किसान साथी हैं सब नूं साडी हथ जोड़ के अपील है कि शांति बना के ही अंदोलन जिते जांदे ने सरकारां चाहुंदियां ने कि तुहानूं उगर करके अंदोलन नूं खंडाया जाए लेकिन साडी सरकार नूं अपील है कि साडा दिल्ली जाण दा जो प्रोग्राम है जां तां साडियां मंगां मन के ते साडा मसला हल करे नहीं करदी तां सानूं फिर आराम नाल दिल्ली बैठन देवे फिर की दिक्कत है सरकार नूं दिल्ली केड़े केड़ा मतलब एक किसे सरकार ने कोई बहस कराई नहीं वो तां पूरे देश की दिल्ली है जी देखो असी तां जंतर मंतर मंगी सी वखरी कोई नहीं सी मंगी हैगी हुण जंतर मंतर ते सरकार ने कोई दस्या नहीं हैगा देखो इस रूप विच तां नहीं गल आई चल जे तुहाडे को सोर्स को वखरे ने ऐ नहीं हुंदा हुंदा असी हमेशा अंदोलन दे विच तीन वारी सरकार आ गई ठीक है तां उहने गलबात भी कीती हैगी आ तो इस करके जे इस किस्म दी अप्रोच किते केंद्र दी हैगी आ तां मैनूं लगदा इह कोई लोकतांत्रिक तरीकाकार नहीं हैगा सर 21 तारीख को अगर आप जाएंगे 11 बजे तो फिर जो वायलेंस होगा उसके जिम्मेदारी किसकी होगी आप बताइए ये जो बैरिकेड लगा आपको इसका वायलेंस नहीं दिखता है जो बाहर 25,000 अर्धसैनिक फोर्स लगे उसका वायलेंस नहीं दिखता है हम तो अपनी तौर से वायलेंस नहीं करेंगे आप स्टेट वायलेंस करना चाहता उसकी मर्जी है हम नंगे हाथ हैं भाई करेंगे लेकिन आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे तो वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी उनकी ड्यूटी ऊपर से लगाई हुई है तो अपनी ड्यूटी निभाएंगे तो फिर हिंसा और टकराव होगा ना पंडित साहब ये जिम्मेदारी तो फिर आप लोगों पे भी आएगी देखिए हमारा बैरिकेड तोड़ने का अनक का सवाल है ही नहीं हमारा दिल्ली जाने का अनक का सवाल है ही नहीं हम तो मांग मनवाना चाहते हैं और अगर कुछ सुनता नहीं है कोई स्टेट तो हमारी मजबूरी भी तो है ना हमने जैसे पहले भी बचाव किया आगे भी बचाव करेंगे उधर भी हमारे जवान हैं इधर किसान है उधर जवान है हमें सबका मालूम है और जो ये किसान जवान का नारा निकालते जिंदाबाद और उनको लड़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयारी में है तो ये पूरी दुनिया देख रही पूरा देश देख रहा है अगर ऐसा सरकार हमारे ऊपर जबर करती है तो हम स्वयं कहेंगे ये देश के लोग तो फिर सोचेंगे ना कि ऐसे लोगों को देश की सत्ता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए प्रदेश साहब एसकेएम ने भी रद्द कर दिया ये फैसला जिस तरीके से आप दोनों की यूनिटी बनेगी दोनों जो देखो साडे इस मसले ते कोई आपकी राय रखने लिए आजाद हैगा कोई की सोचता उन्हों का अपना हक हैगा वा असी कदी भी अकेली ना तो भजे हाँ ना गाड़ी भजांगे साडियां कमेटियां बनिया
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੋਲਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੂਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।